11 high paying skills that you can learn and start working from home as a freelancer. जी हाँ, आज की वीडियो का यही टाइटल है और यही टॉपिक है आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम हिम सिंह है और मैं एक फ्रीलांस वेब डिजाइनर और मार्केटर हूँ। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ 11 ऐसे स्किल्स जिसे आप सीख सकते हैं और अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं एज ए फ्रीलांसर बन के। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो वेलकम बैक। तो एज ए फ्रीलांसर आपको क्या करना होता है, आपको अपनी सर्विसेज को कंपनीज को या फिर इंडिविजुअल्स को, बिजनेस ओनर्स को अपनी स्किल्स सेल करनी होती है। स्किल्स डिपेंड करती है आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपका पैशन किस चीज़ में है। अगर आपके पास ऑलरेडी स्किल है तो आप उसे एज ए फ्रीलांसर सेल करना शुरू कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ जॉब, या अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि मैं आपको बताने जाऊंगा टॉप 11 स्किल्स जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और बहुत ज़्यादा डिमांड में है। और सबसे मस्त बात, इनकी अच्छी खासी इनमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर से ही ये सब चीज़ें अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसर। तो इस चैनल पर मैंने हाउ टू गेट क्लाइंट्स एज अ फ्रीलांसर वीडियो भी बनाई है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता कि क्लाइंट कैसे लाना, पर आपके पास स्किल्स हैं। बट अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसे आप राइट नाउ सीख सकते हैं और पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं इसी बात पे। तो फ्रीलांसिंग आपको जैसा कि पता है स्किल्स होनी चाहिए और आपको आना चाहिए कैसे क्लाइंट लाने, उसके अलावा सेल्स और मार्केटिंग आनी चाहिए जिसके थ्रू आप फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स लाते हैं। आप खुद ही क्लाइंट लाते हैं, खुद के बॉस हैं और खुद ही काम करते हैं, तो बॉस भी हो एम्प्लॉय भी हो दोनों चीज़ हो, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब काम करना चाहते हैं, दिन में रात में कितना काम करना चाहते हैं। वर्कलोड नहीं होता है, आपके हिसाब से काम चलता है। आपने क्लाइंट को 15 दिन दिए हैं, आप 2 दिन में काम ख़त्म कर दो, बाकी 13 दिन या तो रेस्ट करो या नई स्किल सीखो या फिर अपना दूसरे क्लाइंट्स के लिए काम करना शुरू कर दो। तो इस तरीके से फ्रीलांसिंग बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ आपको नॉर्मल जॉब पे एक ही चीज़ रोज रोज करनी होती है, यहाँ पे आपको मौका मिलता है डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करने का। तो फ्रीलांसिंग की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है और इसीलिए मुझे फ्रीलांसिंग पसंद है और मैं पिछले 4-5 साल से यही कर रहा हूँ। बाकी इस चैनल के मीडियम से मैं आपके साथ ये सारी जो भी चीज़ें मैंने सीखी है अपने 4-5 साल के फ्रीलांसिंग करियर से वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फ्रीलांसिंग के अंदर कुछ मोस्ट पॉपुलर जो जॉब्स हैं वो हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग, कॉपी राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग और SEO वगैरह। बाकी उसके अलावा पेड एड्स भी होते हैं जैसे गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स, और ट्रांसक्रिप्शन जॉब लाइक कोई वीडियो है, वीडियो के सबटाइटल्स वगैरह लिखने हैं, या डेटा एंट्री जॉब, जो कि डेटा एंट्री आपको पता ही है क्या होता है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा मार्केटिंग भी आती है और कंसल्टिंग भी आती है, अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो तो आप उस चीज़ के कोच भी बन सकते हो। तो फ्रीलांसिंग में ये सब चीज़ें आप एज ए सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं कि वो कौन से टॉप 11 हाई पेइंग स्किल्स हैं जिसे आप सीखकर फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो नंबर 1, कंटेंट राइटिंग। जी हाँ, कंटेंट राइटिंग क्या होती है, आपको इसमें कंटेंट लिखना होता है। आप अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, राइटिंग स्किल्स अच्छी है, तो आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं जिसमें आपको घोस्ट राइटिंग कर सकते हैं, आप किसी के लिए बुक लिख सकते हैं, आप सोशल मीडिया के लिए कैप्शन वगैरह लिख सकते हैं, आप ब्लॉग्स वगैरह लिख के डाल सकते हैं, ईमेल्स वगैरह लिख सकते हैं, और लैंडिंग पेजेस वगैरह या वेबसाइट के लिए आप कंटेंट लिख सकते हैं। तो कंटेंट राइटिंग बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है और बिजनेसेस को कंटेंट राइटर्स चाहिए होते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात कर लें कंटेंट राइटिंग में, तो कंटेंट राइटर्स एनीवेयर बिटवीन $500 टू $2,000 चार्ज करते हैं पर आर्टिकल के। जी हाँ, आर्टिकल लेंथ अराउंड होती है 2000 से 4000 वर्ड्स अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं, और अगर आप 5 ईमेल सीक्वेंस लिखते हैं तो अराउंड $2,000 चार्ज करते हैं। ये मुझे खुद पता है क्योंकि मैं पहले एज ए कंटेंट राइटर रह चुका हूँ, तो इतना मैं चार्ज कर लेता था। तो आप एज ए कंटेंट राइटर महीने के आराम से एक एक आर्टिकल के $2,000 चार्ज करके, जितना आपके पास टाइम है, एक आर्टिकल 4000 वर्ड का लिखने में एटलीस्ट रिसर्च वगैरह और सब करने में, प्रूफ रीडिंग ये सब करने में एक वीक चला जाता है, तो एटलीस्ट 4 आप महीने के कॉन्टेंट लिख सकते हैं, तो आप $8,000 आराम से घर पर बैठ के कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप पे कितने क्लाइंट हैं। नंबर 2, हाई इन डिमांड
स्किल है वो है कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होता है बेसिकली? बेसिकली कॉपी राइटिंग वो नहीं होता जो आप समझ रहे हैं कॉपी पेस्ट, अगर आपको नहीं पता है। कॉपी राइटिंग होता है जो आप सेल्स अपने मुंह के थ्रू या फोन के थ्रू करते हैं, वही सेल्स अगर आपको इंटरनेट पे आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है तो उसको हम कॉपी राइटिंग कहते हैं, जो कि रिटर्न फॉर्मेट में होता है। तो अगर आप समझे कि जैसे कोई प्रोडक्ट है जिसे किसी को बेचना है, तो उसके प्रोडक्ट के बारे में फीचर, बेनिफिट, डिस्क्रिप्शन, ये सब जो होता है उस वेबसाइट के पेज पे, उसे हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। इसके अलावा एड्स देखते हैं आप, फेसबुक एड, गूगल एड, इनमें जो लिखा होता है कंटेंट, ये भी कॉपी राइटर्स का काम होता है लिखने का। इसके अलावा आप लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, लैंडिंग पेजेस में आप कंटेंट डालते हैं, एड्स में कंटेंट डालते हैं। उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट सेल करना होता है, उसकी सेल्स पेज पे जो कॉपी आती है, कॉपी मतलब रिटर्न जो टेक्स्ट होता है, उसे कॉपी राइटिंग कहते हैं। और कॉपी राइटिंग बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम $2,000 अप टू $10,000। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो इस इंडस्ट्री में, कॉपी राइटिंग इंडस्ट्री में, वो एक वेबसाइट के ऊपर कॉन्टेंट और कॉपी राइटिंग लिखने के, कॉन्टेंट नहीं बेसिकली कॉपी राइटिंग, क्योंकि वेबसाइट आपकी ऐसी होनी चाहिए जो विजिटर्स को कन्वर्ट करे, आपके प्रोडक्ट को बेच सके, तो ऐसी कॉपी राइटिंग लिखने के लिए वो एटलीस्ट $10,000 चार्ज करते हैं एक वेबसाइट के जिसमें 5 पेजेस होते हैं। तो कॉपी राइटिंग का भी बहुत ज्यादा डिमांड है और बहुत अच्छा खासा स्कोप है। नंबर 3 पे आ जाते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। जी हाँ, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? बेसिकली आपने देखा ऑफिस में असिस्टेंट होते हैं जो आपका फाइल्स वगैरह मैनेज करना या अटेंडेंस लगाना या कुछ भी इधर उधर ईमेल फॉरवर्ड करना या कॉल फॉरवर्ड करना, कॉल उठाना, ये सब काम करते हैं। वही काम अगर कोई वर्चुअली करे, मान लो आप यहाँ पे अपना ऑफिस चला रहे हैं और आपका कोई असिस्टेंट है जो बैंगलोर में रहता है, वहां से आपके टाइमिंग पे आके अपने कंप्यूटर के थ्रू आपके साथ काम कर रहा है, तो उसे वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। ये सब आपका एडमिन वर्क संभाल सकते हैं, आपके ईमेल्स वगैरह संभाल सकते हैं, आपका सोशल मीडिया पे पोस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, और उसके अलावा बुक कीपिंग, टैक्सेशन, आपका अकाउंट्स वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। तो वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब आवरली बेस्ड होती है, एटलीस्ट $5 से शुरू होती है, अप टू $25 पर आवर, और जितने घंटे आप काम कर सकते हैं, जैसे वीकली 40 आवर्स, तो उस हिसाब से आपका पे रेट बनता है। यहाँ पे थोड़ा वर्चुअल असिस्टेंट का काम उतना अच्छे से बड़ा नहीं है, बट जो फिलीपींस हो गए और जो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ ऐसी जगह पे वर्चुअल असिस्टेंट का काम बहुत ज़्यादा चलता है, खासकर फिलीपींस में। तो वर्चुअल असिस्टेंट भी बहुत अच्छी एक तरह से जॉब है जिसे आप कर सकते हैं, और ये भी हाई इन डिमांड है, बिजनेस ओनर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वर्चुअल असिस्टेंट्स की। नंबर 4 हाई पेइंग स्किल है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। जी हाँ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, क्या आपको पता है कि जो बिग बिजनेस होते हैं वो खुद का सोशल मीडिया खुद नहीं संभालते, बल्कि उनके नीचे पूरी टीम होती है, पूरे फ्रीलांसर्स होते हैं जो उनका सोशल मीडिया संभालते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है कि वो सोशल मीडिया पे बैठ के कंटेंट बनाए, पोस्ट करें। तो वो क्या करते हैं, लोगों को हायर कर लेते हैं जो उनका फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब मैनेज करते हैं, सब लॉगिन्स होते हैं, वहाँ पे जाके पोस्टिंग वगैरह करते हैं और उसके चार्ज करते हैं। तो एक सोशल मीडिया मैनेजर कम से कम 2,000 से लेके $5,000 मंथली चार्ज करता है और अप टू 3 प्लेटफॉर्म संभालता है। उसका काम डे टू डे यही होता है, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट बनाना, पोस्ट अपलोड करना, कैप्शन लिखना, इंगेज करना, लोगों के साथ बात करना, रिप्लाई करना, और कस्टमर सर्विस संभालना। उसके अलावा दूसरे पेजेस से कोलैबोरेशन वगैरह करना, और जितनी भी सोशल मीडिया रिलेटेड चीज़ें हैं, पेज के जो लाइक्स हैं, फॉलोअर्स हैं, ये सब चीज़ें देखना, और अगर कोई बात कर रहा है, कोई कुछ चीज़ खरीदना चाहता है, तो उसको असिस्ट करना, लीड्स को जनरेट करना। तो सोशल मीडिया मैनेजर का ये काम है, एनीवेयर बिटवीन 2,000 to 5,000 डॉलर चार्ज करते हैं ये सोशल मीडिया मैनेजर्स। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के बाद आ जाता है नंबर 5 पे सोशल मीडिया मार्केटिंग। जी हाँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है? बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को प्रमोट करते हो सोशल मीडिया के थ्रू, आप एड्स रन करते हो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, पिंटरेस्ट पे, ये सारे जो पेड एडवर्टीजमेंट है सोशल मीडिया पे जो हम एड्स रन करते हैं, इसे हम कहते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो आप इनमें से किसी भी एक चीज़ को सीख करके एज ए फ्रीलांसर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और ये इसमें अच्छी बात यह है कि ये रिटेनर टाइप का वर्क होता है, प्रोजेक्ट होता है। आपको मान लो कोई कोई कंपनी मिल जाती है जिसके लिए आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, एड्स रन करते हैं, तो आप सिर्फ 1 महीने नहीं बल्कि 5-6 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट रख सकते हैं, और 5-6 महीने जब तक कि आप उनके लिए रिजल्ट ला पा रहे हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास 5 भी क्लाइंट हैं तो आपका $2,000 के, तो आप महीने के $10,000 कंसिस्टेंटली कमा सकते हैं, क्योंकि हर एक क्लाइंट एटलीस्ट 5 से 6 महीने रहता है आपके साथ,
अगर आप उन्हें रिजल्ट लाके दे सकते हैं, आप उनके एड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, आप उनकी सेल्स ला सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग भी बहुत ही हाई पेइंग स्किल है और बहुत ही अच्छी डिमांड में है। कल को अगर आपके पास 20-25 क्लाइंट होते हैं तो आप अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं SMMA, SMMA। तो ये भी बहुत अच्छी स्किल है, इसे आप सीख सकते हैं। कोई भी एक स्किल सीख लीजिए, चाहे फेसबुक एड्स है, चाहे टिकटॉक एड्स है। टिकटॉक इंडिया में बैन है, बट आप स्टिल VPN यूज करके टिकटॉक एड्स रन कर सकते हैं। और बाकी उसके अलावा लिंक्डइन या ट्विटर एड्स भी आप सीख सकते हैं और इनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप चाहे तो एक चीज में भी एक्सपर्ट बन सकते हैं, चाहे आप बाकी अदर एक साथ चार पांच चीजों में भी आप एड्स रन कर सकते हैं। नंबर 6 पे है गुड ओल्ड फैशन ग्राफिक डिजाइनर। जी हाँ, ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत सालों से चल रही है, बहुत ही इन डिमांड है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोग ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट रहते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में यही होता है, आपको कुछ भी ग्राफिक रिलेटेड डिजाइन करना होता है, चाहे वो फोटोशॉप यूज करना हो, चाहे इलस्ट्रेटर यूज करना हो, Adobe XD, फिग्मा वगैरह, आपको डिजाइन करना होता है, चाहे वो वेबसाइट की ग्राफिक्स डिजाइन करने हो, चाहे आप ईमेल्स के वो डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप बैनर डिजाइन कर रहे हो, आप किसी इवेंट का पोस्टर डिजाइन कर रहे हो, तो ग्राफिक डिजाइन की बहुत ज्यादा डिमांड है। जितने भी लोग एड्स रन करते हैं उनको ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है, जो भी वेबसाइट बनाते हैं उन्हें ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। ग्राफिक डिजाइनर का बहुत ही ज्यादा डिमांड है आज के टाइम पे। और आप एनीवेयर पर ग्राफिक के आप $50 से लेके आप $500 तक का चार्ज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस लेवल का आपको काम करना है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे, और आपको कितनी उसमें कितना टाइम लग रहा है और क्या क्या क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, क्रिएटिव है, जिसमें आप अच्छे से आप काम करके सीख सकते हैं और ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नंबर 7 पे हाई पेइंग स्किल है लोगो डिजाइन। जी हाँ, ग्राफिक डिजाइन का ही एक छोटा पार्ट है, बट आप सिर्फ लोगो डिजाइन में जाते हैं तो आप उसमें एक्सपर्ट कहलाएंगे, और जो एक्सपर्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। एक लोगो डिजाइन एनीवेयर बिटवीन $5, बेसिक लोगो के $5 से लेके $500, बड़ी कंपनीज के अगर आप लोगो बनाते हैं तो सिर्फ $5 का नहीं बनाएंगे, $500 और $5,000 के भी आप लोगो बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी कंपनी है और कितना उनका एनुअल रेवेन्यू है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको जरूरी नहीं है $5 के ही लोगोज बनाने, आप $5,000, $500 के भी लोगोज बना सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी कंपनी है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आती है कि हमें लोगो डिजाइन करना है, अपने नए प्रोडक्ट के लिए लोगो बनाना है, तो आप उससे क्या $5 चार्ज करोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है, आप $50,000 बोल सकते हो। तो इसी हिसाब से आप लोगो डिजाइनिंग में एक्सपर्ट बन के बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और एक ही चीज में एक्सपर्ट बन के आप अच्छा चार्ज कर सकते हैं और अपने अपने रेट्स बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे। डिपेंड करता है अगेन कि क्लाइंट कैसा है, उसका बजट क्या है। 8वें पे आता है वेब डिजाइन, मेरा फेवरेट, जो कि मैं ऑलरेडी हूँ वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर एनीवेयर बिटवीन $5,000 to $1,500 चार्ज कर सकते हैं, इवन $10,000 भी चार्ज कर सकते हैं। अगेन डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर और कितना बड़ा बिजनेस है उनका, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके अलावा इस पे भी डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी वेबसाइट है उनकी, 40 पेज की है, 20 पेज की है, 5 पेज की है, उस हिसाब से आपकी प्राइसिंग होगी। आप मेरी वेबसाइट पे जाके मेरी प्राइसिंग वगैरह चेक कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जो मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट है। आपके पास एक वेबसाइट होनी चाहिए अगर आप वेब डिजाइनर हैं, वो तो कॉमन सेंस है। तो hymnsingh.com पे आप जाके एज ए एग्जाम्पल चेक कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट डिजाइनर बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड स्किल है, क्योंकि जो भी नए बिजनेस शुरू होते हैं उनको वेबसाइट की नीड होती है, और वेबसाइट की डिमांड हमेशा बहुत हाई रहती है, क्योंकि आजकल कोई भी बिजनेस अगर ऑनलाइन चलना चाहता है तो वेबसाइट के बिना नहीं चला सकते। हर चीज़ वेबसाइट पे सेल होती है, वेबसाइट पे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट पे आप ट्रैफिक लाते हैं, वेबसाइट के थ्रू आप अपनी अवेयरनेस इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वेबसाइट इसीलिए बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत ही हाई इन डिमांड स्किल है। नंबर 9 पे आता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। जी हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल है कोडिंग सीखना, आपको 2-3 साल लग सकते हैं, बट आपको एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। जितना आपको आता है आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं, और धीरे धीरे प्रोजेक्ट, जैसे आपने एक प्रोजेक्ट ले लिया जिसमें आपको 30% काम आता है, 70% नहीं आता, तो आप क्या कर सकते हैं, बाकी 70% या तो आप यूट्यूब से सीख सीख के तुरंत आप उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इस वजह से आप सीख भी पाओगे, आपको इंटरेस्ट भी बना रहेगा, और आप
आप और अपने आप को एक्सपर्टीज अपनी डेवलप कर सकते हैं, या आप किसी और को अपने साथ कोलैबोरेशन में लेके बाकी का 70% काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम क्या होता है? बेसिकली वो सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं, मोबाइल ऐप्स हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है, मैनेजमेंट सिस्टम है, स्कूल की अटेंडेंस सिस्टम है, या हॉस्पिटल में कोई सिस्टम है, मशीन चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये सब काम होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर के। और सॉफ्टवेयर डेवलपर एनीवेयर बिटवीन $10,000 टू $50,000 चार्ज करते हैं। इवन इनफैक्ट जो कंपनीज है विप्रो, TCS और जितनी भी IT कंपनीज है, इनमें भी यही काम होता है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे बोइंग हो गई, रॉल्स रॉयस हो गई, रेंज रोवर हो गई, इनके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कार के सॉफ्टवेयर, एरोप्लेन के सॉफ्टवेयर, या इनकी कंपनीज में वेयर हाउसेज हैं, अमेजोन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना, तो ये सब काम इनके होते हैं, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करवाते हैं। और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर आप फ्रीलांस काम करते हैं तो एनीवेयर बिटवीन $50,000 to $100,000 आप आराम से चार्ज कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, उसी हिसाब से इसमें आपके चार्जेस भी ज़्यादा हैं, आपकी स्किल के हिसाब से आपके पेमेंट्स भी ज़्यादा है। इसके अलावा नंबर 10 पे हाई पेइंग स्किल में आता है वीडियो एडिटिंग। जी हाँ, वीडियो एडिटिंग, आजकल वीडियो का ज़माना है, हर कंटेंट लोग वीडियो में डालते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, हर जगह वीडियो में कंटेंट डलता है। और वीडियो कंटेंट ऐसा नहीं है कि सीधा शूट किया और डालना शुरू कर दिया, उसे एडिट भी करवाने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी कैप्शन डलवाने पड़ते हैं, उसमें एडिटिंग करनी पड़ती है, लोगो वगैरह ऐड करना, कट वगैरह करना, तो वीडियो एडिटिंग भी एक बहुत ही हाई इन डिमांड स्किल है। और वीडियो एडिटर कम से कम $1,000 से लेके $5,000 तक चार्ज कर सकते हैं। वीडियो के ऊपर डिपेंड करता है कितनी बड़ी वीडियो है, क्या लेंथ है और क्लाइंट का क्या बजट है। वीडियो एडिटर भी बहुत अच्छा खासा कमाते हैं, और उस पर आपकी ये भी डिपेंड करता है कि आपकी किस लेवल की स्किल है। आप यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं या आप नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं, कमर्शियल वीडियो बना रहे हैं, एडवर्टीजमेंट वाली वीडियो बना रहे हैं, किस टाइप की आप वीडियो एडिट कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो एनीवेयर बिटवीन $1,000 to $5,000 आप चार्ज कर सकते हैं, बाकी इसके ऊपर तो स्काई इज द लिमिट, वो सब डिपेंड करता है आपके क्लाइंट के ऊपर और आपके बिजनेस के ऊपर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। नंबर 11 पे टॉप हाई पेइंग स्किल में आता है UI UX। जी हाँ, UI UX का मतलब होता है, UI मतलब होता है यूजर इंटरफेस और UX मतलब होता है यूजर एक्सपीरियंस। तो इसमें आपको यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन करना होता है। तो मान लो आपका कोई स्टार्टअप है जो कोई ऐप लॉन्च करने जा रहा है, तो ऐप लॉन्च करने से पहले वो क्या होता है, ऐप का डिजाइन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं UI डिजाइन। तो ऐप कैसा दिखेगा, ये सब हमारा होता है UI डिजाइन के अंदर आता है, क्या कलर्स होंगे, कैसे ऐप होगा, अगले स्टेप में क्या होगा, कैसे आप जैसे बटन दबाएंगे तो लाइव कॉल कैसे शुरू होगी, क्या क्या ऑप्शन आएंगे, ये सब हमारा UI के अंदर आता है। और यूज़र कैसे एक इस जर्नी को फॉलो करता है, ये होता है यूज़र एक्सपीरियंस, कैसे उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो, कैसे एक बच्चा भी एक यूट्यूब ऐप खोल के यूट्यूब वीडियोस चला पाए, या एक बूढ़ा भी उस ऐप को इजीली यूज़ कर पाए, ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम यूज़र एक्सपीरियंस। तो जी हाँ, UI UX भी बहुत ज़्यादा हाई इन डिमांड है और बहुत ही हाई पेइंग स्किल है। इसमें आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं, एज ए जॉब भी काम कर सकते हैं, और दोनों में ही इसमें आपकी सैलरी अच्छी खासी, आपकी पेमेंट हो सकती है, आपकी सैलरी और पेमेंट बहुत अच्छी खासी हो सकती है। जो UI UX डिजाइनर है, ये ज़्यादातर ऐप और वेबसाइट पे काम करते हैं, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर पे भी काम करते हैं, सॉफ्टवेयर का लुक वगैरह डिज़ाइन करते हैं और जर्नी डिज़ाइन करते हैं, यूज़र जर्नी। उसके बाद जब डिज़ाइनिंग का पार्ट हो जाता है तो फिर डेवलपर के पास जाता है, ताकि वो कोडिंग करके उस चीज़ को डेवलप कर सके, एग्जैक्ट प्रोटोटाइप बना सके उस ऐप का या फिर उस वेबसाइट का। तो UI UX डिज़ाइनर एनीवेयर बिटवीन $1,500 to $10,000 चार्ज करते हैं, और ये काम बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही क्रिटिकल थिंकिंग वाला है, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो फ्री में UI UX सिखा रहे हैं, बाकी गूगल का भी कोर्स है UI UX के ऊपर, कोर्सेरा पे, वो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। UI UX एक बहुत ही प्रॉमिसिंग जॉब है, आज से 10 साल पहले नहीं थी, बट पिछले 5 साल से जब से ऐप वाली इकोनॉमी शुरू हुई, इंटरनेट बिजनेस शुरू हुए, तब से UI UX बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है, और हर स्टार्टअप को UI UX हमेशा चाहिए होता है, ताकि उनका प्रोडक्ट बेटर बन सके, नए नए प्रोडक्ट के फीचर ला सके। प्रोडक्ट में कोई भी, ऐप में कोई भी नया फीचर आता है, उससे पहले UI UX वाले लोग इसे डेवलप करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, फिर वो उसे टेस्ट करते हैं, देन वो यूज़र्स को रोल आउट करते हैं। तो UI UX भी बहुत ही हाई इन डिमांड स्किल है, जिसे आपको मिस आउट नहीं करना चाहिए। अगर आप क्रिएटिव फील्ड, आपको सोचना पसंद है, क्रिएटिव थिंकिंग आपकी स्किल है, तो आपको ये चीज़ आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे टॉप 11 स्किल्स जो आप सीख सकते हैं, और एज अ फ्रीलांसर आप इसमें घुस सकते हैं। इन स्किल्स को सीखने के बाद आप फ्रीलांसर बन सकते हैं,
बाकी मैं रिकमेंड करूंगा आपको, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं कि आप वेट कर रहे हैं, मैं 2-3 साल तक इसे सीखता हूँ, उसके बाद एक्सपर्ट बन के फिर फ्रीलैंसिंग करूंगा। आप जितना सीख जाते हैं एक नॉर्मल लेवल तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप फ्रीलैंसिंग करना शुरू कर सकते हैं। और फिर अगर ऐसा होता है कि कोई प्रोजेक्ट है जिसमें आपको 50% आता है, 50% नहीं आता है, आप प्रोजेक्ट ले लीजिए और बाकी 50% आप गूगल यूट्यूब वगैरह करके सीख सकते हैं और उसे डायरेक्टली उस प्रोजेक्ट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका सीखने का जो वो होता है वो इंटरेस्टिंग हो जाता है और आपको उस चीज के पैसे भी मिलते हैं। बेसिकली आपको सीखने के पैसे मिल रहे हैं उस चीज में। क्यों, आपने प्रोजेक्ट ले लिया, आपको नहीं आता काम करना, बट आप उसे सीख सीख के काम कर रहे हैं और आपको उस चीज के पैसे भी मिल रहे हैं। क्योंकि फ्रीलैंसिंग में यही फायदा है कि कोई नहीं जानता कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, और ना ही आपको डीपली सीखने की जरूरत है। आप जैसे आपकी जरूरत पड़ती है आप वैसा वैसा सीख के आप अपनी सर्विसेज अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो डीपली सीखने की जरूरत नहीं है, अगले 6-7 महीने में सीख के आप फ्रीलैंसिंग वगैरह शुरू कर सकते हैं, एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। मैंने भी जब वेब डिजाइनिंग शुरू करी थी तो मुझे सब कुछ नहीं आता था, तो मुझे जैसे जैसे प्रोजेक्ट मिलते थे मैं उसमें सीखता रहता था और अपने आप को इम्प्रूव करता रहता था, और साथ साथ अपने प्राइसेस भी इंक्रीज करता जाता था। तो एक्सपर्ट बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे जितना आता है वहां से शुरू करो और धीरे धीरे सीखते जाओ, बेसिकली आपको सीखने के पैसे मिल रहे हैं। तो द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आप कितनी जल्दी आप स्किल्स को एक्वायर करते हैं और कितनी जल्दी आप क्लाइंट लाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता कि आप कितने अच्छे हैं अपनी स्किल्स में, डिपेंड करता है फ्रीलैंसिंग के अंदर कि आप कितने अच्छे हैं क्लाइंट लाने में। तो अगर आपको क्लाइंट लाने नहीं आते तो मेरे चैनल पे हाउ टू गेट क्लाइंट्स की वीडियो है, उसे चेकआउट कर लेना। उसके अलावा आपको आज ही से अपने स्किल्स डेवलप करने शुरू कर देना चाहिए और क्लाइंट लाना शुरू कर देना चाहिए, और साथ साथ में ये दोनों काम आप एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि आप एक क्लाइंट के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो आप क्लाइंट भी लाते रहिए और काम भी करते रहिए और फ्रीलैंसिंग भी करते रहिए। और लास्ट टिप यही है, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम टुडे एंड स्टार्ट अप्लाइंग स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम टुमारो। आज से सीखना शुरू करिए और कल से एग्जीक्यूट करना शुरू करिए, काम लाना शुरू करिए, फ्रीलैंसिंग शुरू कर दीजिए। और बाकी गूगल यूट्यूब तो है ही इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए, तो आप यहाँ से सीख के अपने आप को और एडवांस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको क्या पसंद आया इन टॉप 11 हाई पेइंग स्किल्स में से, कौन सी स्किल्स आपको पसंद आई और किस स्किल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए मैं इन डेप्थ वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, सी यू, बाय बाय।